दोस्तों, क्या आप भी अपने फोन के बैटरी बैकअप से परेशान हो? आप अपने फोन को घंटों चार्ज करते हो, फिर भी आपके फोन का बैटरी 1 से 2 घंटे ही चलता है। तो भाई, इस वीडियो में मैं आपको आपके फोन के अंदर ही कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी फोन के बैटरी बैकअप को इंक्रीज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस सेटिंग्स को करने के बाद जो आपके फोन का बैटरी है ना, वो लगातार 4 से 5 दिन तक चलेगा सिर्फ एक बार चार्ज करने पर। और उसके लिए आपको कोई भी अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, सिर्फ जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा उस सेटिंग्स को आपको अपने फोन के अंदर अप्लाई करना है। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के बैटरी बैकअप को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ताकि आप अपने फोन को सिर्फ एक बार चार्ज करो तो आपकी फोन का बैटरी लंबे समय तक चले। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसका नाम है एडिशनल सेटिंग्स। यहां पर आप देख सकते हो, डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। और ये हम सभी के फोन के अंदर हिडन सेटिंग्स होता है, तो सबसे पहले आपको इस सेटिंग्स को अपने फोन के अंदर एक्टिवेट करना होगा। तो ये कैसे एक्टिवेट होगा, तो आपको अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर जाना है, अबाउट फोन के अंदर जाना है और बिल्ड नंबर पर आपको 7 बार टैप करना है। उसके बाद जो डेवलपर ऑप्शन है ना, वो आपके फोन में एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं और यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसका नाम है वाईफाई स्क्रीन थ्रॉटलिंग। यहां पर आप देख सकते हो, और ये क्या होता है ना कि हम सभी के फोन के अंदर बंद होता है, लेकिन ये हमारे फोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। ये आपकी फोन के बैटरी ड्रेन को रिड्यूस करता है, यानी कि कम करता है, और आपके जो फोन का नेटवर्क परफॉर्मेंस है ना, उसे भी ये इंप्रूव करेगा। नीचे आप पढ़ सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ है, रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इंप्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस, यानी कि आपके जो फोन का बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस सेटिंग्स को यहाँ से ऑन कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो आपके फोन का बैटरी ड्रेन है ना, वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस सेटिंग्स को अपने फोन के अंदर ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे अपसिक्वेंस सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसका नाम है ऑलवेज कीप मोबाइल डेटा ऑन। यहां पर आप देख सकते हो, और ये क्या होता है ना कि हम सभी के फोन के अंदर ऑन रहता है, और इस वजह से क्या होता है ना कि जो आपके फोन का मोबाइल डेटा है वो 24 आवर स्कैनिंग करता है, और जितना आपके फोन में मोबाइल डेटा स्कैनिंग होगा उतना आपके फोन का बैटरी भी जल्दी खत्म होगा। तो यहां पर आपको करना क्या है, इस सेटिंग्स को यहां से बंद कर देना है, ठीक है। इससे आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके फोन में इंटरनेट भी चलेगा, वाईफाई भी चलेगा, सारा चीज वैसा ही काम करेगा, लेकिन जो ये आपके फोन के बैटरी को खत्म कर रहा था वो यहां पर आपका फिक्स हो जाएगा और आपके फोन का बैटरी जल्दी खत्म नहीं होगा। तो यहां पर आपको इस सेटिंग्स को बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे अब थर्ड सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसका नाम है विंडो एनिमेशन स्केल। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको तीनों ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन तीनों ऑप्शन एक ही काम करता है, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। और ये जो तीनों सेटिंग्स है ना, वो आपके फोन में एनिमेशन क्रिएट करता है। आप अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, कोई भी गेम खेलते हो, या फिर आप अपने फोन को नॉर्मली भी यूज करोगे ना, तो आपके फोन में एनिमेशन क्रिएट होता है, और जितना आपके फोन में एनिमेशन क्रिएट होता है उतना जल्दी आपके फोन का बैटरी भी खत्म होता है। तो यहां पर आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको विंडो एनिमेशन स्केल पर टैप करना है और यहां से इसे बंद कर देना है, ठीक है। और उसी तरीके से आपको ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल को भी बंद कर देना है और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल को भी यहां से ऑफ कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपके फोन में जो बेकार का एनिमेशन हो रहा था और उस वजह से आपके फोन का बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो रहा था, वो यहां पर आपका फिक्स हो जाएगा और आपके फोन का बैटरी लंबे समय तक चलेगा।
तो यहां पर आपको तीनों को यहां से बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे अब फोर्स सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। यहां पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। और ये क्या होता है ना कि हम सभी के फोन के अंदर स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट होता है, और इस वजह से क्या होता है ना कि आप अपने फोन में जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हो ना, 20 एप्लीकेशन, 30 एप्लीकेशन या फिर उससे भी ज्यादा, वो सारे एप्लीकेशन आपके फोन के बैकग्राउंड में रन होते हैं और वो भी स्टैंडर्ड लिमिट पर। और उस वजह से क्या होता है कि जो आपके फोन का बैटरी है वो दुगने स्पीड से खत्म होता है, क्योंकि अगर सारा एप्लीकेशन हमारे फोन के बैकग्राउंड में रन होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि हमारे फोन का बैटरी तुरंत खत्म हो जाएगा। तो यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको एट मोस्ट वन प्रोसेस कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा ना कि जो एप्लीकेशन आप अपने फोन में यूज करोगे, जैसे कि कोई भी गेम खेल रहे हो या फिर जो एप्लीकेशन आप अपने फोन में यूज कर रहे हो, सिर्फ वही आपके फोन में प्रोसेसिंग होगा और जितने भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है वो प्रोसेसिंग नहीं होंगे और वो आपके फोन के बैटरी को ड्रेन नहीं करेंगे। तो यहां पर आपको एट मोस्ट वन प्रोसेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे अप शिफ्ट सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है नोटिफाई अबाउट हाई रिस्क फीचर्स। यहां पर आप देख सकते हो, और ये क्या होता है ना कि हम सभी के फोन के अंदर बंद होता है, लेकिन ये हमारे फोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। ये उस वक्त आपके फोन में काम करेगा जैसे कि आप अपने फोन में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो या फिर कोई भी सेटिंग्स ऑन या ऑफ कर रहे हो, तो ये आपको पता नहीं रहता है कि जो मैं अपने फोन में एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ, वो हमारे फोन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी आपके फोन में ऐसा एप्लीकेशन होगा जिसमें जंक फाइल होगा, वायरस होगा, और उस वजह से आपके फोन का बैटरी तुरंत खत्म हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, जैसे ही इस सेटिंग्स को यहाँ से ऑन करोगे तो आपके फोन में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन होगा जो कि आपके फोन के लिए सही नहीं होगा तो तुरंत आपको ये नोटिफाई करेगा कि भाई ये जो एप्लीकेशन है वो आपके फोन के लिए सही नहीं है, आप अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि उस वजह से आपकी जो फोन का बैटरी है वो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। तो यहां पर आपको इस सेटिंग्स को ऑन कर देना है, ठीक है। और ये 5 सेटिंग्स करने के बाद आप अपने फोन को सिर्फ एक बार चार्ज करोगे तो आपके फोन का बैटरी 5 दिन तक चलेगा लगातार। तो ये सेटिंग्स आप अपने फोन में जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साथ, और वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।